हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है। तो भाई टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट कोर्स जनरेशन इस फेस से रिलेटेड कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मुद्दे जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, एग्जांपल के साथ सीखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। एक बेसिक सा आइडिया आपके सामने रख देता हूं मैं कंपाइलर के वर्किंग को दो एंड्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक है फ्रंट एंड, दूसरा है भैया बैक एंड। फ्रंट एंड में आखिर हो क्या रहा है, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि भाई आपके पास सोर्स कोड तो अवेलेबल है, उस सोर्स कोड को आप ट्रांसलेट करते हो इनटू अ मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड। बस ये कहानी जो है वो हो रही है आपकी फ्रंट एंड में ऑफ द कंपाइलर। अब बैक एंड में क्या होता है, जो आपका इंटरमीडिएट कोड अवेलेबल है उस इंटरमीडिएट कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू द टारगेट कोड। तो ये पूरा प्रोसेस फ्लो आपके कंपाइलर में चल रहा है फ्रंट एंड से बैक एंड में, बराबर। अब इसे कहते हैं इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट शायद नाम भी इसीलिए उसका इंटरमीडिएट कोड है बिकॉज इट इज इन बिटवीन ऑफ द सोर्स कोड एंड द टारगेट कोड। अब मान लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है इंटरमीडिएट कोड का, जो रिक्वायरमेंट है, ओके, जो रीजन है ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, उसे थोड़ा जान लेते हैं। इंटरमीडिएट कोड अगर मान लीजिए नहीं मुझे यूज करना, विदाउट दिस इंटरमीडिएट कोड फेज मुझे डायरेक्टली सोर्स कोड को अगर टारगेट कोड में कन्वर्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा? तो ज्यादा कुछ नहीं, क्या करना पड़ेगा अगर इंटरमीडिएट कोड नहीं करना है आपको, तो सिंपली फॉर एवरी न्यू मशीन, नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग, फॉर एवरी न्यू मशीन आपको एक फुल न्यू नेटिव कंपाइलर की जरूरत पड़ने वाली है। बिकॉज हर एक मशीन की जो स्पेसिफिकेशंस होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अलग होती है। तो उस हिसाब से आपको फुल नेटिव न्यू कंपाइलर जो है वहाँ कंसिडर करना पड़ेगा एवरी टाइम। तो उससे अच्छा है तो भैया इंटरमीडिएट कोड को कंसिडर करो, एनालिसिस पार्ट सभी कंपाइलर के लिए सेम रहेगा, बराबर। उसके बाद फिर भले ही वो मशीन स्पेसिफिक होगा फॉर कंसिडरिंग द टारगेट कोड, ओके। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में सबसे ज़्यादा अगर बात किसी चीज़ की होती है तो उसे कहते हैं थ्री एड्रेस कोड। नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज मोस्टली टॉक्ड अबाउट इन द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, थ्री एड्रेस कोड। अब ये थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्री एड्रेस कोड, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं, काफ़ी आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि थ्री एड्रेस कोड क्या होता है। आप एक स्टेटमेंट कह लो, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, तो भाई अगर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको एटमोस्ट थ्री एड्रेस लोकेशंस दिख रहे हैं तो उसे आप भैया सिंपली कह दोगे थ्री एड्रेस कोड। एटमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि भैया तीन से कम भी दिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तीन, एटमोस्ट तीन दिखने चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सिंपली का थ्री एड्रेस कोड। जैसे कि एग्जांपल, अभी ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसे लाइन कहो, इसे स्टेटमेंट कहो, इसे सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल कहो, इसे इंस्ट्रक्शन कहो, जो कहना है कहो, कि फर्क पैदा है कुछ नहीं। तो भाई यहाँ पे जो है ये, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक दो और तीन, ये तीन एड्रेस लोकेशंस आपको वहां पे विजिबल है, बराबर। तो इसे आप कहोगे थ्री एड्रेस कोड, ये भी आपका रिस्पेक्टिव। तो यहां पे क्या दिख रहा है, एटमोस्ट तीन एड्रेस लोकेशंस आपको यहां पे दिख रहे हैं। इसे आप एक तरीके से और क्या कह सकते हो, T1, T2, ये जो मैंने यूज किया है, इसे आप यहां पे टेम्पररी वेरिएबल भी कह सकते हो, बराबर। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये इनपुट सैंपल है, ये इनपुट सैंपल मेरे पास दे दिया है, ओके, अब इसे मैं मैनुअली थ्री एड्रेस कोड में लिखता हूं, मैनुअली, ओके, कि भैया इंसानी दिमाग को समझ में आए ऐसा। तो मैंने सिंपली क्या किया, ए प्लस बी है, उसे मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल टी को दिया, T1 को दिया, बराबर। उसके बाद उसको निगेट करना है, ओके, तो माइनस T1 किया, यूनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट T2 को दिया। तो अभी ये जो पूरा मामला है, ये जो अभी मेरा पूरा मामला है, ये अभी मेरा T2 के पास है, बराबर। उसके बाद क्या किया, सी माइनस डी करके उसको स्टोर किया T3 में, ओके, एंड फाइनली T4 में क्या किया, तो भाई ये जो ये वाला मामला है ये T3 में है, ओके, और T4 में क्या किया, T2 और T3 का मल्टीप्लिकेशन किया और जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैंने T4 में स्टोर किया। तो ये हुआ मेरा मैनुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ थ्री एड्रेस कोड फॉर दिस रिस्पेक्टिव गिवन एग्जांपल सैंपल, बराबर, इस तरीके से। लेकिन भाई ये तो मैनुअल हुआ, अभी इसे कंप्यूटर में डालना है, ओके, तो एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, कुछ सिंटैक्स होना चाहिए, बराबर, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कुछ भी कह लो, सिंटैक्स कह लो, रिप्रेजेंटेशन कह लो, फॉर्मेट कह लो, जिस फॉर्मेट में हमें इस रिस्पेक्टिव जो भी ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी यहाँ लिखे हैं चार, उन्हें उस रिस्पेक्टिव फॉर्मेट में हमें कंप्यूटर में डालना है। तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के दो फॉर्म्स हैं, दो रिप्रेजेंटेशंस हैं फॉर थ्री एड्रेस कोड विच आर अवेलेबल एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड, वो दो है, क्वाड्रपल्स एंड ट्रिपल्स। ये क्वाड्रपल्स एंड ट्रिपल्स क्या होता है, इन्हें थोड़ा भी बारीकी से समझते हैं, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है, ओके। क्वाड्रपल्स जैसे कि नाम ही कह रहा है, ओके, तो यहाँ पे चार फील्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या है वो चार फील्ड्स, ऑपरेटर इन दैट इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू इन द रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन, एंड उस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट जहाँ स्टोर करना है वो वहाँ पे लिखती है। तो यहाँ पे कितने, एक दो तीन चार, वैसे ही मैंने यहाँ चार लिखे इंस्ट्रक्शंस,
प्लस, पहले वाले का ऑपरेटर प्लस है, ए बी जो है वो दो आपके रिस्पेक्टिव ऑपरेंड्स है, और ये जो टी वन है इसके अंदर आपका रिजल्ट स्टोर हुआ है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, बराबर। उसके बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस है, यूनरी ऑपरेशन टी वन है एंड उसे का रिजल्ट मैंने टी टू में स्टोर कर दिया। सिमिलर फैशन में मैंने ये सब कैरी आउट किया, बराबर। अब ये जो क्वाड्रपल्स, इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि भैया आपको यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स या इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस देख रहे होंगे उनको आप मूव अराउंड कर सकते हो, उनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आप मूव अराउंड कर सकते हो, यहाँ पे ये बड़ा आसान काम बन जाता है, बराबर। जैसे कि ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हो और ये तीसरा वाला देख सकते हो, तो इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, मूव अराउंड कर सकते हो जितनी भी आपके पास जगह है उसमें, बराबर। सो ये एक एडवांटेज हो जाता है, फिजिबिलिटी इफिशियंसी एक तरीके से बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे एक डिसएडवांटेज भी है क्वाड्रपल्स का। क्या डिसएडवांटेज है? कि भाई आपको यहाँ पे जो स्पेस है वो ज़्यादा लग रहा है। अब आप बोलोगे भाई स्पेस ज़्यादा लग रहा है, किसके कंपैरिजन में आप ये बात कर रहे हो कि स्पेस ज़्यादा लग रहा है? तो मैं इसके कंपैरिजन में सेकंड टेक्निक जो है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है, सेकंड फॉर्मेट जो है, उसके तुलना में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लग रहा है। अब वो कैसे लग रहा है तो पहले इसे समझते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे स्पेस जो है वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। ट्रिपल्स, ट्रिपल्स में क्या है? ट्रिपल तीन, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर देखने को मिलेगा, ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू देखने को मिलेगा, बात सही है? ये दो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, दिस इज ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू। तो कुछ नहीं, मैंने यही इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज पहला वाला जो है प्लस ए बी, और यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा हुआ है, वॉट इज दिस इन, दीज आर नथिंग बट द रेफरेंसेस। मतलब क्या कि ये जो रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन है इसका अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वो आप वन से रेफर कर सकते हो, बाय राइटिंग वन देर यू कैन रेफर इट। जैसे कि पहले इंस्ट्रक्शन का जो मैंने रिजल्ट है वो टी वन में स्टोर किया था और उस टी वन को मैंने यहाँ यूज किया था, बराबर है कि नहीं? आई यूज इट हेयर। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट वेरिएबल्स के लिए जगह ही नहीं रखी है, यहाँ पे मैंने वो जो स्पेस है वो सेव कर लिया, जबकि यहाँ पे वो जो स्पेस है वो वेस्ट हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल्स जो है, टेम्प्रेरी वेरिएबल्स जो है, इनको यहाँ पे जगह दे दी है। सो हेयर दिस वे द स्पेस इज वेस्टेड, हेयर दैट वे द स्पेस इज नॉट वेस्टेड, इट इज़ यूटिलाइज्ड, बराबर। ज़्यादा स्पेस हमने यहाँ पे वेस्ट नहीं किया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो इंस्ट्रक्शन का आपका रिस्पेक्टिव जो रिजल्ट है वो मान लीजिए वन में है, बराबर है, वन में है। तो अभी उस रिजल्ट की जब जरूरत पड़ेगी, व्हेन इट विल बी अ नीड ऑफ दैट रिजल्ट, तो आप सिंपली उसको रेफर कर सकते हो कुछ इस तरीके से लिख के, कैसे, वन लिख के, बराबर। तो जो भी रिजल्ट होगा आपके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का उसको मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, यूनरी ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा, और ये जो फिर इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा वो आप टू में देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर किया हुआ है, टू यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। उसके बाद फर्दर मोर सी और डी ऐसे किए आपने, आगे आप चले गए यहाँ पे टू और थ्री पे आ गए। मतलब क्या, टू, टू मीन्स नथिंग बट टी टू, टी टू। तो भैया जो आपका सेकंड में जो रिजल्ट था ये और थर्ड में जो रिजल्ट था ये, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना है, दैट इज हाउ यू आर रेफरिंग टू द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, बराबर। तो एक तरीके से आप रेफर कर रहे हो, ये वो टेक्निक है, बराबर। लेकिन जैसे इसका एडवांटेज है कि भाई इसमें स्पेस ज़्यादा आपकी वेस्ट नहीं हो रही, इसमें डिसएडवांटेज भी है, इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, एफिशिएंसी कम है। क्यों? क्योंकि आप जो है, जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे चार, इनमें आप एक तरीके से ट्रिपल्स में इस फॉर्मेट में आप मूव अराउंड नहीं कर सकते उनको। वाई? क्योंकि अगर मूव अराउंड करोगे तो आपको ये जो रेफरेंसेज हैं जो आपके इंस्ट्रक्शन में मेंशनड है, इन्हें भी आपको चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, यू हैव टू चेंज देम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर यार मैं बात करता हूँ, ये एक, ये जो दोनों हैं मेरे वन एंड टू, एक तरीके से इंडिपेंडेंट जो भी मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अगर मैं थोड़ा सा स्वैप करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ अगर इनकी पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे थ्री की ज़रूरत है तो वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज उसका रेफरेंस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो रेफरेंस है वो अभी थ्री से वन हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू से, इस रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन को मैं ऊपर मूव करता हूँ और वन वाले को थ्री पे मूव करता हूँ, बात सही है? तो ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा? वन में स्टोर होगा, और वो जो वन है वो मैं यहाँ पे रेफर करूँगा, बराबर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू चेंज द थिंग्स। इसीलिए यहाँ पे हम मूव अराउंड जो है इंस्ट्रक्शंस का, वो यहाँ पे हम इजीली कैरी आउट नहीं कर पाते जितना यहाँ पे होता है। तो भैया दोनों ही टेक्निक्स के, दोनों ही जो फॉर्मेट्स हैं उनके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, एंड मोस्टली दोनों के दोनों पॉपुलरली यूज्ड भी किए जाते हैं इन केस ऑफ अ थ्री एड्रेस कोड। ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।